हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखेगा एलजी डुअल इन्वर्टर एसी हॉट एंड कूल है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे रिमोट कैसे यूज किया जाता है। तो ये रिमोट है, तो ये ऑरेंज वाला बटन है, तो ये ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो एक बार टिपेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा टिपेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग ऑन कंडीशन में रखते हैं, तो ये हम लोग ऑन कर रहे हैं। उसके बगल में दिया है कम्फर्ट एयर, तो ये दो टाइप के कस्टमर होते हैं तो उसके लिए ये बनाया गया हुआ। तो एक बार टिपेंगे तो ये देखिए रिमोट में ये डायरेक्शन ऊपर की ओर चली गया और फ्लैप भी ऊपर की ओर चली गया। तो ये डायरेक्ट हवा बॉडी में नहीं लगेगा उसके लिए। फिर एक बार टिपेंगे कंफर्ट एयर को तो ये देखिए ये डायरेक्शन नीचे चल गया, या रिमोट के डिस्प्ले में देखिए, और यहाँ देखिए ये नीचे आ गया। तो जिसको कस्टमर को डायरेक्ट बॉडी डायरेक्ट हवा चाहिए उसके लिए ये बना हुआ है। तो फिर ये और ये लाइट ऑफ बटन है, डिस्प्ले में देखिए वहाँ लाइट जल रहा है। तो सोते वक्त आँख में आपको गड़ रहा है, ये लाइट गड़ रहा है या परेशानी है, तो उसके लिए ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो एक बार टिपेंगे तो ये लाइट ऑफ हो गया, तो इसके लिए दिया हुआ है। फिर एक बार टिपेंगे तो ये लाइट ऑन हो गया है। तो हम लोग अभी ऑन कंडीशन में है। तो ये मोड है, तो मोड को टिपेंगे तो अभी कूल मोड में चल रहा है, स्नो जो बना हुआ है ये अभी कूल मोड में चल रहा है। फिर एक बार मोड टिपेंगे तो ये ऑटो मोड चल रहा है, तो यानी ये रूम के हिसाब के टेम्परेचर के हिसाब से ये चलता है। फाइन स्पीड चलेगा, ये टेम्परेचर भी हिसाब अपने हिसाब से ये चलता है। तो फिर ये फिर एक बार मोड टिपेंगे तो ये मानसून मोड आ गया, तो ये बरसात का दिन में ये चलता है, ह्यूमिडिटी जो बरसात चिपचिपे का टाइम है उसके लिए। ये टेम्परेचर घटे बढ़ेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं काम करेगा बटन। तो फिर एक बार टिपेंगे मोड तो ये हॉट मोड आ गया है। ये देखिए ये रिमोट का डिस्प्ले में ये सूरज बना हुआ है, ये हॉट मोड है। तो ये अभी गर्म करेगा, ठंडा का दिन में ये गर्म करेगा। तो ये टेम्परेचर सेट आप कर सकते हैं, जितना भी रूम के हिसाब से ये टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये एक बार मोड टिपेंगे तो ये फैन मोड आ गया। केवल ये सिर्फ ब्लोअर चलेगा और एसी ठंडा नहीं करेगा, आउटडोर भी नहीं चलेगा, यानी इंडोर का ब्लोअर चलेगा। तो अभी हम लोग फिर मोड टिपेंगे तो ये अभी कूल मोड में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें रखते हैं, ये फैन स्पीड है, ये फैन स्पीड है। तो ये एक बार टिपेंगे तो देखिए एसी का डिस्प्ले में F1 आ गया, यानी फैन स्पीड 1। फिर एक बार रिमोट से टिपेंगे तो फैन स्पीड 2, फिर एक फैन स्पीड 3। केवल ऐसे करते करते 5 तक जाएगा, फैन स्पीड 5 तक जाएगा। तो ये हाई स्पीड है, तो अभी उसमें रखते हैं। ये 5 इन Z मोड, तो इसको हम लोग टिपेंगे तो ये हाई कूलिंग करेगा, ठीक है। जैसे आप बाहर में गर्मी का टाइम आए या ठंडा का टाइम है तो आपको तुरंत चाहिए ठंडा या गर्म, तो इसके लिए जेट मोड है, तो ये कूलिंग तुरंत करेगा, ठीक है। इसको यूज कीजिए, ये 90 मिनट तक ये चलेगा, फिर ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। ये 5 इन 4 मोड, ये कन्वर्टेबल मोड है, ठीक है। ये 80 है तो 80 कैपेसिटी में चलेगा, फिर ये 60 कैपेसिटी में, ये 40 कैपेसिटी में, ये नॉर्मल आ गया। तो ये 1.5 टन है तो 1.5 टन से कम आएगा, 0.25 टन 1 टन ऐसे यूज होगा। तो इसके लिए बटन दिया हुआ। और ये रूम का टेम्परेचर है, देखिए ये रूम के हिसाब से अभी रूम का टेम्परेचर है वो बता रहा है। और ये स्विंग है, ये देखिए ये स्विंग डिस्प्ले में देखिए राइट साइड बीच में हो गया, फिर इधर इधर ये फूल पत्ती पूरा बन गया जो, तो यानी चारों तरफ ये मूव करेगा। और ये स्विंग है वह, ये इधर भी ये चारों तरफ काम करेगा। तो देखिए ये डिस्प्ले में फूल पूरा बन गया चारों तरफ, तो यानी चारों तरफ ये मूव करेगा। ये स्लिप मोड है, तो आप स्लिप मोड देखिए 1 आवर हो गया। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग रिमोट का टाइमिंग सेट करेंगे, इसलिए फिर उसके बाद ये फिर स्लिप मोड में सही से सेट हो पाएगा। तो पहले रिमोट का टाइमिंग सेट करते हैं। बैटरी सेल खोल रहे हम लोग, ये देखिए थोड़ा देर हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में बंद हो गया ये। तो फिर हम लोग फिर दोबारा ये बैटरी लगाएंगे, तो ये बैटरी लग गया, अब देखिए ये ऑन हो गया। तो अब क्या करना है, केवल हम लोग को ये जो अप डाउन बटन है इससे सेट करना है हम लोग को टाइमिंग। तो अभी हम लोग का टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, तो 3 बजे का सेट करेंगे ये टाइम। तो ये 3 बज गया, 3 बजे का टाइमिंग सेट हो गया। तो ये सेट कैंसिल बटन, तो इसे सेट हो गया,
ये सेट हो गया। अब स्लीप मोड को हम लोग सेट करते। ये देखिए ये स्लीप मोड टिपे हम लोग, और ये देखिए चांद बन गया। तो ये 1 घंटे का आवर बता रहा है। फिर टाइम ऊपर नीचे बटन जो है अप डाउन बटन है, तो उससे सेट करेंगे कितना घंटा आपको सेट करना है, 4 घंटा 3 घंटा करना है। ये अभी हम लोग 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा हम लोग सेट कर रहे। ये सेट बटन है, ये सेट हो गया। देखिए रिमोट का डिस्प्ले में भी सेट हो रहा है, और एसी का डिस्प्ले में भी वहां पे देखिए ये टाइमिंग का बता रहा है। तो ये सेट हो गया स्लीप मोड। अब इसी से कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, रिमोट से भी हट गया और एसी का डिस्प्ले से भी हट गया। और ये टाइमर है, ये देखिए ये ऑन, अब ऑन कंडीशन में, ये ऑफ कंडीशन में। तो ये टाइमिंग इसे सेट होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन